हेलो दोस्तों, एम कैन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ऑफिशियल फाइनल आंसर की। तो दोस्तों जो जेएमआर से उसने हाल ही में जेई इलेक्ट्रिकल का जो है रिजल्ट जारी कर दिया है और दोस्तों उसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी कर दी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आंसर की है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है और दोस्तों इसमें जो है लगभग जो है 120 मिनट का ये जो पेपर हुआ था जिसमें 100 क्वेश्चन आए थे और 100 नंबरों के हुए थे। तो दोस्तों ये जो फाइनल आंसर की है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और दोस्तों साथ में आप यह भी देख सकते हो कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 2021 को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जेई इलेक्ट्रिकल की ऑफिशियल फाइनल आंसर की। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फाइनल आंसर की है वो जेएमआरसी की तरफ से जारी की गई है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है किसी भी परिपथ के विश्लेषण की पूर्ण अनुक्रिया होती है। तो क्या होती है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका केवल इसकी प्राकृतिक और प्रणोदित अनुक्रिया। यानी कि दोस्तों ये जो आंसर है वो जेएमआरसी ने जो है एकदम राइट माना है और दोस्तों ये जो आंसर की है वो एकदम फाइनल आंसर की है और जो जेएमआरसी उसने जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है और साथ में जो वेटिंग लिस्ट है उसके जो अभ्यर्थी है उनके रोल नंबर भी उन्होंने बता दिए हैं। यानी कि दोस्तों जो जेएमआरसी है उसने रिजल्ट के साथ में वेटिंग लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके रोल नंबर बता करके ये जो है उन अभ्यर्थियों को भी जो है सूचित कर दिया है कि वो आगे जो है वेटिंग के लिए जो है तैयार रहे। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो 6 अभ्यर्थियों में से अगर कोई नहीं जाता है तो उन 18 अभ्यर्थियों में से जो है इन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिनमें दोस्तों जो है एक पोस्ट के लिए 3 अभ्यर्थियों को जो है एक कैटेगरी में जो है बुलाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि दोस्तों एम कैन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो है समय समय पे जो है मेट्रो से संबंधित जितने भी ओल्ड पेपर वो सारे इस पे अपलोड किए जाते हैं और दोस्तों इनसे जुड़ी हुई जो भी सूचना है वो सारी अपलोड की जाती है। तो चलिए दोस्तों इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है दी गई आकृति में धारा यानी कि इसका मान कितना होगा और जो टी है वो क्या है समय यानी कि टाइम है। तो दोस्तों इसका जो मान होने वाला है वो होगा 12/1000 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें संधारित्र में प्रवाहित धारा है और वी संधारित्र के टर्मिनलों के बीच क्या है वोल्टेज है। तो किसी आरसी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यानी कि सी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस आंसर की यहाँ पे आईडी भी साथ में दी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें थ्री फेज संतुलित भार की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा यह सभी प्रकार के भार के साथ सभी थ्री फेज से समान शक्ति लेता है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सिंगल फेज 3 तार प्रत्यावर्ती धारा एसी स्रोत में होता है या होते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 आउटपुट टर्मिनल में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें थ्री फेज प्रेरण मोटर का कोगिंग प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों जो थ्री फेज प्रेरण मोटर होती है उसका जो कोगिंग प्रभाव होता है यानी कि जिसे हम कोगिंग इफेक्ट भी कहते हैं, तो इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो होगा परिवर्तन समस्या यानी कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें थ्री फेज प्रेरण मोटर के लिए रोटर ताम्र हानियाँ किसके बराबर होती है? तो दोस्तों जो थ्री फेज प्रेरण मोटर होती है उसमें जो रोटर ताम्र हानि होती है वो किसके बराबर होती है? तो इसमें जो ऑफिशियल जो आंसर है वो माना गया है सर्पण इनटू रोटर को प्रदान किया गया शक्ति इनपुट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सिंगल फेज स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में मुख्य वाइंडिंग में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो होता है वो होता है निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रेरकीय प्रतिघात। यानी कि दोस्तों सिंगल फेज स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में जो है निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रेरकीय प्रतिघात होता है यानी कि ये दोनों होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें थ्री फेज प्रेरण मोटर में दिष्ट धारा यानी कि डीसी अंतःक्षेपण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा गतिरोधन के लिए। यानी कि दोस्तों थ्री फेज प्रेरण मोटर में जो दिष्ट धारा अंतःक्षेपण होता है उसका जो उपयोग है वो गतिरोधन यानी कि डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें लो क्रोड के स्थान पर वायु क्रोड का उपयोग करने पर ट्रांसफार्मर की शैथिल्य हानियों यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो हो जाएगा यानी कि यह शून्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लो क्रोड के स्थान पर अगर मान लो वायु क्रोड का क्या करते हैं उपयोग करते हैं तो जो ट्रांसफार्मर की जो शैथिल्य हानि है उस पर जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा वह शून्य हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सूचक माप यंत्रों में अवमंदक बल आघूर्ण प्रदान करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो जो तकनीक है वो है तरल घर्षण अवमंदन जिसे हम फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें डी अर्सोनवाल धारामापी एक है यानी कि ये क्या है यह एक डीसी चल कुंडली धारामापी है। यानी कि दोस्तों जो डी अर्सोनवाल धारामापी होता है वह डीसी चल कुंडली क्या होता है धारामापी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें
तप्त तार यानी कि हॉट वायर मापयंत्र में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर है प्लेटिनम और इरिडियम। यानी कि दोस्तों जो हॉट वायर मापयंत्र होता है जिसे हम तप्त तार कहते हैं हिंदी में, उसमें दोस्तों जो प्लेटिनम और जो इरिडियम होता है उस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें संधारित्र विभू परिणामित्रो यानी कि कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स का जो प्रयोग है वो वोल्टेज मापन हेतु किया जाता है, तो किस वोल्टेज मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आंसर है वो 100 किलो वोल्ट से अधिक के वोल्टेज मापन के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डीसी और एसी मापयंत्र में विक्षेपण किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों आंसर आएगा मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज के वर्ग के मान के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों जो डीसी और एसी मापयंत्र होता है उसमें जो विक्षेपण है वह मापी जाने वाली धारा और अगर मान लो वोल्टेज है तो उसके वर्ग के समानुपाती होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वोल्टेज नियमन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा जीनर डायोड। यानी कि दोस्तों वोल्टेज नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेटिंग के लिए यानी कि रेगुलेशन के लिए तो दोस्तों जीनर डायोड का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दी गई आकृति में प्रदर्शित परिपथ क्या है? यानी कि दोस्तों ये जो परिपथ है वो क्या है? वह है दोस्तों डीसी आपूर्ति युक्त श्रेणी क्लिपर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डी मल्टीप्लेक्सर परिपथ एक है। तो दोस्तों जो डी मल्टीप्लेक्सर परिपथ होता है वह एक इनेबल इनपुट युक्त डिकोडर परिपथ होता है। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है जेएमआरसी ने क्या दिया है इसमें दोस्तों, इसमें बोनस दिया है। यानी कि दोस्तों इसमें साफ दिया हुआ है अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है सभी कैंडिडेट को क्या दिया गया है? बोनस दिया गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो है डी फ्लिप फ्लॉप में वर्तमान अवस्था एक है, पूरक सिरे यानी कि कम्प्लीमेंट एंड पर आउटपुट की अगली अवस्था क्या होगी? तो दोस्तों इसका क्या दिया गया है? जेएमआरसी की तरफ से बोनस दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें शक्ति संयंत्र का हानि गुणक यानी कि लॉस फैक्टर किसके लिए लागू होता है? तो दोस्तों वो है ताम्र हानियों के लिए। यानी कि दोस्तों जो लॉस फैक्टर होता है किसका? शक्ति संयंत्र का, वह ताम्र हानियों के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भार अवधि वक्र यानी कि लोड ड्यूरेशन कर्व किसके बीच खींचा जाता है? तो दोस्तों वह है भार और समय के। यानी कि दोस्तों जो भार अवधि चक्र होता है वो भार के और समय यानी कि दोनों के बीच में खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें परिपथ ब्रेकरों की आर्किंग कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर है ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु का। यानी कि दोस्तों इस मिश्र धातु का जो प्रयोग किया जाता है तो वो होती है ताम्र और टंगस्टन यानी कि दोनों से बनाई हुई, यानी कि तांबे से और टंगस्टन यानी कि दोनों से जो मिश्र धातु बनाई जाती है उसका जो प्रयोग है वो परिपथ ब्रेकरों की आर्किंग कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में दो डायोड सरणी क्रम में क्यों जुड़े होते हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा डायोड की पश्च अवरोधन वोल्टेज सहनीयता को बढ़ाने के लिए। यानी कि दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में जब दो डायोड को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो मतलब होता है वो होता है डायोड की पश्च अवरोधन वोल्टेज सहनीयता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक स्टेप डाउन डीसी कन्वर्टर के लिए यदि आर आउटपुट पर जुड़ा भार प्रतिरोध है और डी उपयोगिता चक्र यानी कि ड्यूटी साइकिल है तो स्रोत पर प्राप्त प्रभावी इनपुट प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों वो जो प्रतिरोध होगा वो होगा आर बटे डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा एसी एसी रूपांतरण के लिए। यानी कि दोस्तों जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वह एसी को एसी में क्या करता है? रूपांतरित करता है यानी कि कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सा संयंत्र ऊर्जा का एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों आंसर आएगा सौर ऊर्जा। यानी कि दोस्तों जो सौर ऊर्जा होती है वह एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सौर पीवी से अधिकतम शक्ति के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त एल्गोरिदम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है MPPT। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ग्रिड संयोजित इन्वर्टर के लिए सुरक्षा मानक के रूप में परिभाषित तकनीकी मानक मापदंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा एंटी आईलैंडिंग सुरक्षा। यानी कि दोस्तों जो ग्रिड संयोजित इन्वर्टर होता है उसकी जो सुरक्षा होती है उसके मानक के रूप में जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटी आईलैंडिंग सुरक्षा। तो दोस्तों आप ये पे देख सकते हो कि ये जो आंसर है वो जेएमआरसी की ऑफिशियल जो आंसर की है उसके आंसर है, और दोस्तों ये जो फाइनल आंसर की है वो जेएमआरसी ने हाल ही में यानी कि दो दिन पहले जारी कर दी है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जो फाइनल आंसर की है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की जो है ऑफिशियल आंसर की है या ओल्ड पेपर है वो सारे एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे समय समय पे अपलोड किए जाते हैं, और साथ ही दोस्तों मेट्रो एग्जाम से संबंधित जितने भी सूचना है वो एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बताई जाती है। तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें सोर सेल किसके द्वारा प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है, तो दोस्तों आंसर है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। यानी कि दोस्तों जो एक सोर सेल होता है वह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के द्वारा ही जो है प्रकाश को क्या करता है, विद्युत में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें नेटवर्क प्रमेय किस पर लागू होती है, तो दोस्तों वो जो है एसी और डीसी यानी कि रेखीय परिपथों पर लागू होती है। यानी कि दोस्तों जो नेटवर्क प्रमेय होता है वह एसी और जो डीसी रेखीय परिपथ होते हैं उन सभी पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय आकृति में प्रदर्शित परिपथ के समतुल्य एकल वोल्टेज स्रोत प्राप्त करने में सहायक होती है, तो दोस्तों आंसर आएगा इसमें मिलमैन प्रमेय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें बहुफेज एसी परिपथों में फेज अनुक्रम RYB किसके समान होता है, तो दोस्तों ये होता है YBR फेज अनुक्रम के समान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें थ्री फेज चार तार प्रणाली एक संतुलित स्टार संयोजित भार को शक्ति आपूर्ति प्रदान करती है, तो प्रत्येक फेज में धारा 20 एम्पियर है, उदासीन तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों उदासीन तार में जो धारा का मान है वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किसकी मदद से तीन फेज शक्ति मापन की एकल वाटमीटर विधि संभव है, तो दोस्तों आंसर है स्टार संयोजित संतुलित भार। यानी कि दोस्तों थ्री फेज शक्ति मापन की एकल वाटमीटर जो विधि है उसे जो है स्टार संयोजित संतुलित भार के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी निश्चित आवृत्ति पर परिचालित एक विद्युत परिपथ की जो प्रतिबाधा है वह कोष्टक 10-j10 कोष्टक ओम है, यदि आवृत्ति को मूल आवृत्ति का 200% कर दिया जाए तो प्रतिबाधा का नया मान क्या होगा, तो दोस्तों आंसर आएगा कोष्टक 10-j5 कोष्टक ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक अक्ष ध्रुव 50 हर्ज प्रत्यावर्तक एक 60 हर्ज तुल्यकालिक मोटर द्वारा चालित है, तो तुल्यकालिक मोटर के ध्रुवों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आंसर आएगा इसमें 1.2 अक्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऊर्ध्वाधर सुग्राह्यता नोब को 8 वोल्ट पर सेंटीमीटर पर सेट करके एक ज्यावक्रीय तरंग को मापने पर एक दोलनदर्शी 8 सेंटीमीटर का शिखर से शिखर आयाम यानी कि पीक टू पीक एम्पलीट्यूड दर्शाता है, तो वोल्टेज का औसत मान कितना होगा, तो दोस्तों आंसर आएगा 20.37 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिए गए स्विचिंग परिपथ के लिए बूलियन फलन ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों ये जो परिपथ दिया हुआ है इसका जो बूलियन फलन है वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों ए कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि परिपथ का आउटपुट त्रिभुजीय तरंग है तो परिपथ का इनपुट कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए दोस्तों वर्गाकार तरंग के समान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें चालक का स्वप्रेरकत्व किसके कारणों में से एक है, तो दोस्तों आंसर आएगा त्वाचिक प्रभाव के कारण, यानी कि दोस्तों जो चालक का स्वप्रेरकत्व होता है वह त्वाचिक प्रभाव के कारण में से ही एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि वोल्टेज रेटिंग को एन गुना बढ़ाया जाता है तो वितरक डिजाइन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन के लिए चालक का आकार मूल रूप से कम हो जाता है, तो दोस्तों आंसर है 1/n² कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें चालक का सर्वाधिक मित व्ययी क्षेत्रफल किस पर आधारित होता है, यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया, तो दोस्तों वो है केल्विन के नियम पर। यानी कि दोस्तों जो चालक का सर्वाधिक जो मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया है वह केल्विन के नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक उच्च वोल्टेज संचरण में जब चालक अंतिम सिरे पर समाप्त होते हैं या संचरण लाइन की दिशा में परिवर्तित होता है तो प्रयुक्त विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर किस प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आंसर है विकृति प्रकार के। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से किसके लिए आवेग अनुपात की गणना की जाती है, तो दोस्तों आंसर आएगा तड़ित रोधक के लिए, यानी कि दोस्तों जो तड़ित रोधक होता है उसके आवेग के अनुपात की गणना की जाती है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो JMRC ने जो है ये आंसर की है जो फाइनल आंसर की जारी कर दी है, और इसमें जो आंसर माने हैं वो एकदम राइट मान लिए हैं, और इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन गलत थे उनमें जो है JMRC ने जो है बोनस देने की कोशिश की है, तो दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हो कि ये जो है फाइनल आंसर की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लाइन विद्युत रोधी यानी कि लाइन इंसुलेटर के लिए पंक्चर वोल्टेज फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है, तो वो 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि डी उपयोगिता अनुपात यानी कि ड्यूटी रेशियो है तो बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट संबंध क्या होंगे, तो दोस्तों उनका जो आंसर है ये होगा, यानी कि इसे एकदम राइट माना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कार्य सिद्धांत के आधार पर दिए गए परिपथ की पहचान करें, तो दोस्तों आंसर है एसी रेगुलेटर, यानी कि दोस्तों ये जो परिपथ है वो कौन सा है, वह एक एसी रेगुलेटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दी गई आकृति के लिए स्नेल के नियम के अनुसार sin θ1/sin θ2 का मान कितना होगा, तो दोस्तों आंसर आएगा n2/n1। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ब्लू फोर्ट संख्या निम्न में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से संबंधित है, तो दोस्तों आंसर है पवन ऊर्जा, यानी कि दोस्तों जो ब्लू फोर्ट संख्या है वह पवन ऊर्जा से संबंधित है, और पवन ऊर्जा दोस्तों एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सी ज्वारीय शक्ति की खामी है,
तो दोस्तों आंसर है उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत, यानी कि दोस्तों जो ज्वारीय शक्ति होती है उसकी एक खामी होती है, तो दोस्तों वह उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत, यानी कि दोस्तों इसमें जो है उपकरणों का जो रखरखाव है और जो मरम्मत है वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों इससे जो है ऊर्जा आउटपुट का जो पूर्वानुमान है वो किया जा सकता है और इसकी जो परिचालन लागत है वो काफ़ी सस्ती होती है और जो तटीय बाढ़ है उससे भी जो है ज्वारीय शक्ति बचाने का कार्य करती है। अब दोस्तों इस पेपर का जो सेकंड सेक्शन है वो शुरू हो चुका है, तो दोस्तों इसमें लगभग 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबरों के होंगे। तो दोस्तों इस पेपर में जो है टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन है, जिनमें से जो है 50 क्वेश्चन टेक्निकल के क्वेश्चन है और ये जो 50 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के दौरान इसरो द्वारा वाणिज्यिक आधार पर कितने विदेशी उपग्रहों का प्रेक्षण किया गया था? तो दोस्तों आंसर है इसका 50, यानी कि दोस्तों जो इसरो है यानी कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्थान है उसने 2019 के दौरान जो है वाणिज्यिक आधार पर यानी कि विदेशी यानी कि दोस्तों दूसरे देशों के जो है लगभग 50 उपग्रहों को अंतरिक्ष में उन्होंने प्रक्षेपित किया था यानी कि भेजा था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने 2019 में ऐसी सामग्री विकसित की जो छोटे पैमाने पर पानी से ऊर्जा का उत्पादन करती है? तो दोस्तों आंसर आएगा IIT गुवाहाटी, यानी कि दोस्तों सन 2019 के दौरान जो IIT गुवाहाटी है उसने एक ऐसी सामग्री बनाई जो बिल्कुल छोटे पैमाने पर क्या करती है, पानी से ऊर्जा को बनाती है यानी कि पानी से ऊर्जा का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वह है एडम स्मिथ, यानी कि दोस्तों एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा संकलित यानी कि लिखित नहीं है? तो दोस्तों आंसर है हर्षचरित्र, यानी कि दोस्तों यह जो पुस्तक है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी नहीं गई है, यानी कि इन्होंने इस पुस्तक को नहीं लिखा बल्कि इन्होंने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों को लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से किस देश को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आंसर है थाईलैंड, यानी कि दोस्तों जो थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसे पहले श्याम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों वह है मेवाड़ के, यानी कि दोस्तों मेवाड़ के शासक का नाम महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, आमेर का किला किस पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर है? तो दोस्तों वह है अरावली पर्वतमाला की। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NSE को कब निगमित किया गया था? तो दोस्तों आंसर है 1992 में, यानी कि दोस्तों जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसे 1992 में क्या किया गया था, निगमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की पहली और दूसरी तिमाही के परिणामों में किस शहर ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा इंदौर, यानी कि दोस्तों जो इंदौर है उसने सन 2020 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग यानी कि स्वच्छता जो लीग है उसमें जो है पहली और जो दूसरी तिमाही थी यानी कि दोनों में ही 10 लाख की आबादी वाले शहरों की संख्या में जो है पहला स्थान इंदौर ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, मानवाधिकार दिवस 2019 की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या थी? तो दोस्तों आंसर है मानवाधिकारों के लिए उठ खड़ा हुआ युवा, यानी कि दोस्तों जब 2019 में मानवाधिकार दिवस मनाया गया तो उस समय इसकी जो थीम है वो मानवाधिकारों के लिए उठ खड़ा हुआ युवा रखा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, यदि किसी समय टी के दौरान एक चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाला शुद्ध आवेश क्यू है तो धारा आई का मान क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा क्यू बटा टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण का सही सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों वह 1/V + 1/U = 1/F है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, किरण एक 100 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक सिरे से तैरकर दूसरे सिरे तक जाने और उसी रास्ते से वापस आने में तय की गई 200 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो किरण का औसत वेग क्या होगा? तो दोस्तों आंसर होगा 0 ms - 1। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो जनरल अवेयरनेस का जो 50 क्वेश्चनों का जो पार्ट है इसमें दोस्तों जैसे GK का क्वेश्चन आ गया है, तो दोस्तों अब जो है ये मैथ के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 kHz और तरंग दैर्ध्य 35 cm है, तो इसे 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग कितना समय लगेगा? आंसर है दोस्तों 4.3 सेकंड, यानी कि दोस्तों ये जो है 1.5 किलोमीटर की जो दूरी है 4.3 सेकंड में तय करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एक परमाणु का विद्युत विन्यास 287 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से इसके समान होगा? तत्वों की परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है, तो दोस्तों आंसर आएगा Br-35। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एक विलयन में H+ आयनों की संख्या OH आयनों से अधिक है, तो इस मामले में विलयन क्या है? वह है दोस्तों अम्लीय है, यानी कि दोस्तों अगर मान लो एक ऐसा विलयन है जिसमें H+ आयनों की संख्या किससे ज़्यादा है, OH आयनों से ज़्यादा है, तो वो जो विलयन है वो अम्लीय विलयन होगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, उसमें हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान इनमें से कौन सा निर्मित होता है, तो दोस्तों आंसर है लैक्टिक अम्ल। यानी कि दोस्तों जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें जब लैक्टिक अम्ल की मौजूदता हो जाती है तो उनमें ऐंठन शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में अंकुर की उस दिशा में कोशिकाओं की वृद्धि को उत्तेजित करता है जो प्रकाश से दूर है, तो दोस्तों वो है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उद्भवन तब होता है जब भिन्नता से उत्पन्न होता है, तो दोस्तों आंसर है भौगोलिक पृथक्करण। तो दोस्तों ये जो आंसर किया वो जेएमआरसी ने ऑफिशियल साइट पे जो है डाल दी है, लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी आईडी को लॉगिन करके देखोगे तो आपका जो पेपर है आपने यानी कि एग्जाम दिया था वो जो आंसर किया वो आपको अपनी लॉगिन आईडी करोगे तभी वो जो आंसर किया वो मिल जाएगी। तो ये जो है आंसर किया वो सभी के लिए जो है जेएमआरसी ने अपलोड कर दी है और इसी के आधार पर मैं आपको ये जो आंसर है वो बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक विद्युत बल्ब के तंतु से 12 मिनट की अवधि तक 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो परिवर्त से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करें, तो दोस्तों आंसर रहेगा 360 सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 1/7 का दशमलव निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो दोस्तों वो आएगा 0.142857 और इन पर आएगा बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी मिश्रण में ए और बी का अनुपात 2:5 है, जब ए की 300 ग्राम मात्रा और बी की 400 ग्राम मात्रा को आरंभिक मिश्रण में मिलाया जाता है, तो ए और बी का अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है, तो आरंभिक मिश्रण में ए की मात्रा कितनी थी, तो दोस्तों इसमें जो ए की मात्रा है वो 400 ग्राम थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें नीचे दिए गए व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका गुणनखंड होगा डी, यानी कि कोष्टक एक्स माइनस वन, कोष्टक एक्स प्लस टू, कोष्टक एक्स माइनस नाइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि 2x-3y = -1 और 5x-4y = 15 है और दोनों समीकरण x = a और y = b द्वारा संतुष्ट होते हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आएगा इसमें 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक निश्चित लंबाई की सरल रेखा खींचने के लिए दिए जाने वाले बिंदुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों आंसर आएगा 2। यानी कि दोस्तों एक निश्चित लंबाई की सरल रेखा खींचनी है तो उसमें जो दिए गए जो बिंदु होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आएगा 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A = 73 डिग्री है, कोण C का मान ज्ञात करना है, तो वो आएगा 107 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 8:3 है, किसी गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के 3/4 के बराबर है, तो बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों बेलन और गोले के आयतन का जो अनुपात है वो 2:3 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 32, 48 और एक अन्य संख्या का माध्य 45 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो आएगी दोस्तों 55, यानी कि 55। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि थीटा एक न्यून कोण है और कोस थीटा बराबर 0.4 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसमें टेन थीटा का जो मान है वो आएगा √5.25, यानी कि 5.25। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नांकित पाई चार्ट एक अनाथालय के संचालन में होने वाले मासिक व्यय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, तो पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें, तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है वो है यदि कुल व्यय 58,000 प्रति माह है तो पहले 2 महीनों में अनाथ बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ, तो दोस्तों वो हुआ 46,400 रुपये। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से किसे दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया जा सकता है, तो दोस्तों आंसर आएगा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा दोस्तों 30। और दोस्तों ये जो आंसर है वो जेएमआरसी ने एकदम राइट माना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो दोस्तों इस आकृति को क्या अपन को देखना है और यहाँ पे क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा इसमें डी, यानी कि इसमें एक वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक वर्ग है, ये आकृति यहाँ पे आएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक पंक्ति में 6 लड़कियाँ उत्तर की ओर मुँह करके बैठी है, तो डोली मुक्ता के बाईं ओर बैठी है, मुक्ता की दाईं ओर 3 लड़कियां हैं, तो श्रेया दाईं ओर एकदम किनारे पर बैठी है, लया डोली के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो लया और देविका तथा भावना और मुक्ता के बीच केवल एक लड़की बैठी है, तो देविका के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो दोस्तों वहां पे बैठी है भावना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक ऐसा कंप्यूटर माउस है जिसमें सतह के सापेक्ष गति के संसूचन के लिए LED प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है,
तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्टिकल माउस। यानी कि दोस्तों ऑप्टिकल माउस एक ऐसा प्रकार का कंप्यूटर माउस है जिसमें सतह के सापेक्ष गति के संसूचन के लिए यानी कि उसके नीचे एक LED जो बल्ब होता है वो लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट में नोट बनाने का प्रोग्राम है? तो दोस्तों वह है वन नोट। यानी कि दोस्तों जो वन नोट होता है उसके द्वारा MS ऑफिस जो है सूट है उसमें नोट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में कौन सी कार्यविधि यह सुनिश्चित करती है कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन एक साथ आगे बढ़े? तो दोस्तों आंसर है डेव ऑप्स। यानी कि दोस्तों जो डेव ऑप्स होता है वह इस कार्य को क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन एक साथ आगे बढ़ाए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वह घटना जिसमें प्रक्रिया पेजों के निष्पादन के बजाय पेजों को स्वैप करने में अधिक समय व्यतीत करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे थ्रेशिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 15 नोड्स वाले फुल मेस टोपोलॉजी नेटवर्क में आवश्यक एंड टू एंड कनेक्शनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 105। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट ऑफ हाउस ड्यूरिंग रेनी सीजन? तो दोस्तों आंसर आएगा एन द यानी कि दोस्तों यहाँ एन आएगा, यहाँ भी एन आएगा और यहाँ द और यहाँ द आएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें भरने हैं। दिस बॉक्स इज हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो दोस्तों आंसर आएगा सो देट, यानी कि दोस्तों सो यहाँ पे आएगा और देट यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है और दोस्तों इनका जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्या है, सेंटेंस है, वी शैल डेफिनेटली फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ मंथ। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, दिस प्रोजेक्ट शैल बी डेफिनेटली फिनिश्ड बाय अस बाय द एंड ऑफ द मंथ, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों क्वेश्चन है, आई सेड टू माई मदर डू नॉट वेट फॉर मी फॉर डिनर। तो दोस्तों आंसर रहेगा, आई टोल्ड माई मदर नॉट टू वेट फॉर मी फॉर डिनर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शन, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है वो होगा, द जापान डी क्लटरिंग सुपर स्टार मेरी कोंडो कन्विंस्ड मैनी यंग इंडियंस टू क्लीन आउट देयर कपबोर्ड्स। तो दोस्तों आंसर आएगा द जापान। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों आंसर है धैर्य, धनिका और धूली। यानी कि दोस्तों जो JMRC है उसने इस आंसर को एकदम राइट माना है और ये उसकी फाइनल आंसर की है और दोस्तों ये जो पार्ट है वो हिंदी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है आर्द्र और शुष्क, यानी कि दोस्तों ये जो विलोम शब्द एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा पुतली, अक्षितारा और कनिनिका। यानी कि दोस्तों ये जो पर्यायवाची शब्द समूह है वो एकदम राइट है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों आंसर है अश्रु। यानी कि दोस्तों जो अश्रु है वह एक पुरलिंग है और जो नम्रता, दया और वस्तु वह क्या है, एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निकृष्ट की मित्रता क्षणभंगुर होती है, तो इस कथन की लोकोक्ति क्या है? तो दोस्तों आंसर आएगा, ओछे की प्रीत बालू की भी। तो दोस्तों ये जो आंसर है वो JMRC ने एकदम राइट माना है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने है JMRC जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो आंसर की है यानी कि फाइनल आंसर की जो है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों ये जो है टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और दोस्तों आगे आने वाले समय में जो JMRC और जो फाइनल आंसर की जारी करेगी वो सारी आंसर की आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी और साथ में दोस्तों उनका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो भी बताया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।